हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 3 फॉर इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज। आप लोग जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया सके। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया है, तो थर्ड टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 100% 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। बट और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो हर बार 2 क्वेश्चन आपको कॉमर्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स तीनों में मिलते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप से भी 100% 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को जल्दी से स्टार्ट किया जा सके। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर वेटिंग फॉर अनदर 1 मिनट। 4:05 पे क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग जल्दी से, बच्चे लोग भी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। जल्दी से बच्चे लोग भी ज्वाइन करिए रिमेनिंग। यस, सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो ऑल दोस कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज अनुभव सिंह। सिंस लास्ट 11 इयर्स आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। आई यूज टू वर्क विद इंडिया टॉप टीचिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IIM लखनऊ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, LPU, MIT यूनिवर्सिटी शारदा, IPM लखनऊ, IFMTR यूपी गवर्नमेंट। मेंटर्ड एंड गाइडेंस मोर देन 1000+ कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली क्वालिफाइड UGC NET JRF in Commerce Management and Economics. In the last few years, वैसे तो since 2010 I have been qualified numerous number of times, but last few years I have been qualified 4 times NET JRF in Commerce and Management.
published more than 20 research papers in the index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed, MBA International Business, MCOM, IB, MA Economics and PhD Applied Economics. तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और 100% आज के सेशन के बाद आपको दो से तीन क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे. क्लियर है? सो आपको हमने इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के दौरान बताया था कि व्हाट हैपेंड बैक इन 1930, दुनिया में 1930 में पूरा दुनिया एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था. वो वाला आप दोबारा, हम आपको पूरी थ्योरी नहीं बताएंगे कि किन कारणों की वजह से आर्थिक मंदी आई थी. आपको याद होगा कि कई सारे कारण थे आर्थिक मंदी आने के. ठीक है, तो ये फोटो है 1944 का कि हाउ द वर्ल्ड इट यूज्ड टू बी लुक्स लाइक, कैसा दुनिया दिखता था. तो अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो पता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है. वर्ल्ड बैंक डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एग्जिस्ट. सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पांच मेजर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं जिसमें हम लोग, जिनको IBRD, IDA और IFC, MIGA, ICSIT, जो पांच हम लोग बड़े बड़े, जो पांच हमारे मेजर फाइव जो हमारे इंटरमीडियरीज हैं जिनको हम लोग सब्सिडरीज कंपनीज भी बोल सकते हैं. तो विच इज फाइव, IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड SIDBI, ICSIT. सो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो IBRD वाज क्रिएटेड इन 1944 टू रिबिल्ड द यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. Has been referred to the World Bank almost as soon as it was established. IBRD को ही IBRD established हुआ था 1944 में, जो 1946 में जिसने काम करना स्टार्ट किया. क्लियर है? बट उसी को हम लोग IBRD है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए हम लोग IBRD को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं. आपको बताया था हमने कि एक 1944 में कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का क्या किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया थे और फाउंड किए थे. तो सिंस इंसेप्शन IBRD वाज डेजिग्नेटेड टू या डिजाइन टू बी फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग एंड अर्न इनकम टू सपोर्ट इट्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज. इट वाज नॉट सेट अप बाय एन एड एजेंसी. तो IBRD फर्स्ट लोन्स वर मेड टू द फ्रांस. ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि पहला देश कौन था जिसको IBRD ने लोन दिया था. तो IBRD फर्स्ट लोन वर मेड टू द फ्रांस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज फॉर रिकंस्ट्रक्शन पर्पज. लोन्स टू जापान एंड अदर क्रेडिट वर्थी कंट्रीज फॉलोड. उसके बाद और बहुत सारे देशों को लोन दिया गया. एज IBRD फोकस शिफ्टेड टूवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन इन 1960, इट कंटिन्यू टू लेंड टू कंट्रीज दैट बार क्रेडिट वर्थी एंड कुड बोरोड एट द मार्केट बेस्ड रेट्स. उसके बाद उन्होंने एक IDA फॉर्म किया था. IDA वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंसिंग लोअर इनकम कंट्री. जो हमारा IBRD था वो कहीं ना कहीं हाई इनकम ग्रुप के लिए था, डेवलप्ड कंट्री के लिए था. जिसके उसी के साथ साथ हम लोग अगर IDA की बात करते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, विच वॉज एक्चुअली फॉर पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो गरीब विकासशील देश थे उनके लिए हम लोगों ने IDA बनाया था. तो वी हैव द, देखिए IBRD मिडिल इनकम, हाई एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, IDA लो इनकम कंट्रीज, IFC फॉर प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट फाइनेंस की हम लोग इसमें बात करते हैं, दैट इज फॉर बिजनेस. MIGA इज जस्ट लाइक ए गारंटी एजेंसी, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस वी आर प्रोवाइडिंग. ICSIT is basically for dispute settlement. Clear? So IBRD stand for International Bank for Reconstruction and Development. IFC की हम लोग बात करते हैं International Finance Corporation. MIGA की बच्चे हम लोग बात करते हैं Multilateral Investment Guarantee Agency. ICSIT की बात करते हैं International Disputes. और IDA की बात करते हैं तो Low Income Group, जिसको हम लोग बात करते हैं International Development Association. Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA, ICSIT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स. तो पांच के पांचों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आज हमको पढ़ाएंगे. इनका फंक्शंस क्या होता है, मेंबर कितने हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ. क्लियर है? सो एस्टेब्लिशमेंट 1944 में बना गया. रीजन था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी और ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी के दौर से पूरा दुनिया गुजर रहा था. ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैड रिक्वायर्ड सम मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन हु कुड मैनेज द एंटायर वर्ल्ड इकॉनमी. दैट इज द ओनली रीजन वी हैव फाउंडेड द सर्टेन मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन. सो हेड ऑफिस इन वॉशिंगटन DC, दैट इज DC स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया. मेंबर देर आर 190th मेंबर जुड़ जाएगा. जैसे आपको पता है कि जितना मेंबर इंटरेस्ट मॉनिटरी फंड में होता है उतना ही IBRD में या वर्ल्ड बैंक में होता है. प्रॉब्ली बहुत जल्दी 190th मेंबर जुड़ जाएगा. एज ऑफ नाउ 189 मेंबर. मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड मालपास. आप देखेंगे MD हमेशा जो होता है इसका, या डायरेक्टर जनरल जिसको बोल सकते हैं, हमेशा अमेरिकन ही होता है इसमें, US के ही होते हैं.
एक जो एक दो बार थे कि अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन, उनके पास दो राष्ट्रीयता थी, अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया थे, ऑस्ट्रेलियन थे, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम आपको देखेंगे 99.9% टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर यूएस के ही होते हैं। सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशन आपको पहले बता चुके हैं हम लोग, IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID। अब हम लोग एक एक करके पांचों को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले समझिए कि व्हाट डज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप डू, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, उसका मेन काम क्या है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप करंटली हैज टू एम्बिशियस गोल, मेन उसके दो उद्देश्य हैं, दो गोल हैं। कौन कौन से दो गोल की बात करते हैं, पहला है टू एंड द एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.25 डे टू 3% बाय 2030। तो ऐसे लोग जो $1.25 से नीचे कमा रहे हैं, उनकी परसेंटेज हमको बाय 2030 3% कर देना है, जो अभी 9-10% है उसको ले जाके 3% तक ही कर देना है। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम लोगों को बहुत कम करना है, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्टिव है, टू एंड और टू एलिमिनेट टू आ टू एलिमिनेट द एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन 1.25 अ डे टू द 3% बाय 2030। प्रमोट द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, मतलब फास्टर इनकम ग्रुप ऑफ बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन द एवरी कंट्री। दुनिया के सारे देशों में जो बॉटम वाली 40% पॉपुलेशन है, जिसमें हम लोग, जिसमें गरीब से थोड़ा ऊपर वाला इंसान लोग आता है, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास जो आता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी इनकम ग्रोथ की बात करते हैं कि उसकी इनकम ग्रोथ का एडवांसमेंट हो, उसकी इनकम ग्रुप का अपलिफ्टमेंट हो। तो प्रमोट द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, तो फॉस्टर द इनकम ग्रुप ऑफ द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री। आगे बात करते हैं सिक्योरिंग द लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स रिसोर्सेज, सिक्योरिंग द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ इट्स प्लैनेट एंड इट्स रिसोर्सेज, इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन, लिमिटिंग द इकोनॉमिक बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन विल अंडरपिन एफर्ट, द गोल एंड टू पार्टनरशिप नीडेड टू अचीव देम आर वेल अलाइंड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एफर्ट्स टू रीच द MDGs एंड एस्टेब्लिश इन ऑन एम्बिशियस पोस्ट 2015 एजेंडा। क्लियर, क्लियर है ना। तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि सिक्योरिंग द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट की बात करता है, जैसे कि प्लैनेट लंबे समय तक ही चलता रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं करते, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द फ्यूचर रिसोर्सेज फॉर द प्रेजेंट नीड, भविष्य के संसाधनों का हमको यूज नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए फॉर द प्रेजेंट नीड, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा, इकोनॉमिक बर्डन बहुत हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन पे। क्लियर, जो इनका मेन उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को MDGs की बात करते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, ताकि हम लोग वी कैन मेक इट आउट द लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स ऑफ द प्लैनेट, ताकि लंबे समय तक की फ्यूचर प्लैनेट चलता रहे, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट द फ्यूचर रिसोर्सेज, तो वी शुड मोर फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रादर देन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं देना है और हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस देना है। क्लियर, आगे बात करते हैं बच्चा, तो पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मेंबर कितने हैं, 189 कंट्रीज आर द मेंबर, 189 कंट्री मेंबर, 189 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ IBRD। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1944, 1944 में बना था, ऑपरेशनलाइज 1946 में हुआ, कब हुआ, 1946 में इट हैज स्टार्टेड वर्किंग। अगर वही ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस की बात करते हैं, टू फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वार टू, ऐसे सारे देश जो वर्ल्ड वार टू के बाद प्रभावित हुए थे, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, उनको दोबारा रिवाइव करना, उनको उनकी इकोनॉमी को दोबारा रिकवर करना, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था IBRD का। इट्स अ वर्ल्ड बैंक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, ये वर्ल्ड बैंक का केंद्रीय संस्था माना जाता है। Somebody will ask you regarding the World Bank, you directly can tell them about the IBRD. So IBRD के बारे में बता सकते हो, अगर कोई वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछता है, अगर डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है, तो यू हैव टू बी टेल द 189 मेंबर, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, तो आपको IBRD का बताना पड़ेगा। अगर कोई स्पेसिफिक IBRD के बारे में पूछे, तो तब तो आप IBRD के बारे में बताएंगे ही बताएंगे। तो इट्स ए वर्ल्ड बैंक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं,
and mostly money is used for development projects such as highways, metros, airport, etc. So maximum जो पैसा यूज होता है, mostly money is used for development project. मैक्सिमम पैसा हम लोग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, सच एज हाईवेज. आप लोगों को पता ही है क्योंकि जो आईबीआरडी मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप के लिए है, तो ऐसे देशों में बेसिक एमिनिटीज, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक फूड, बेसिक शेल्टर, बेसिक क्लोथिंग, ऐसे देशों में ये सब रिक्वायरमेंट्स पहले से पूरी होती है. तो जिन देशों में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पहले से पूरी है, रोटी कपड़ा मकान पहले से पूरा है, तो वी शुड मोर फोकस ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. जस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसीलिए जो पैसा आईबीआरडी देता है उसका मेन उद्देश्य होता है बड़े बड़े हाईवेज बनाना, मेट्रोज बनाना, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे लाइन्स हो गई हमारी, सीपोर्ट्स हो गए हमारे, बुलेट ट्रेन हो गई. तो दैट इज द ओनली रीजन से आईबीआरडी प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द डेवलप्ड कंट्रीज. कंडक्टेड वेरियस प्रोग्राम्स टू हेल्प गवर्निंग चेंज द वे दे मैनेज देयर इकॉनमी. Sometimes IBRD, what the IBRD does, लगातार कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाता रहता है, ट्रेनी प्रोग्राम चलाता रहता है कंट्रीज के लिए कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करो. सो ऑल दोज पर्सन्स हु आर हैविंग सर्टन एक्सपर्टीज इन इकोनॉमीज, तो जिनके पास इकोनॉमीज में एक्सपर्टीज है, तो ऐसे लोग लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं कि आपको अपने देश में कैसे चलाना है, आपको कितना इनकम टैक्स कितना रखना चाहिए, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना रखना चाहिए, एक्सपेंडिचर कितना करना है, फिजिकल डेफिसिट कितना होगा. तो कहीं ना कहीं लगातार ऐसे प्रोग्राम्स आईबीआरडी ऑर्गेनाइज करता रहता है जिससे कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज आउट करना है उसके लिए. ठीक है, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट टू द प्रोजेक्ट. और इसके अलावा अगर आपको टेक्नोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आईबीआरडी ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्टेन टेक्निकल असिस्टेंस टू द प्रोजेक्ट. क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द आईबीआरडी. समझ गए, तो आईबीआरडी ऐसी देश जिनको वर्ल्ड वॉर टू के बाद प्रभावित हुए थे उनको लोन प्रोवाइड करता है. वर्ल्ड बैंक का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है. मैक्सिमम पैसा हाईवे, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डअप करने के लिए लगता है. लगातार आईबीआरडी क्या क्या करता है, ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाता है जिससे कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना उसको बताता है, और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोवाइड करता है. दैट इज ऑल अबाउट द आईबीआरडी. कोई डाउट हो तो बताइए. अगला है आईडीए. तो पहले बताइए आईबीआरडी में कोई डाउट हो तो. पता नहीं क्यों सभी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. वी हैव अराउंड 40% इन अ ग्रुप, ओनली 7-8 कैंडिडेट्स आर ज्वाइनिंग एवरी डे. जल्दी से बताइए कोई डाउट हो आप लोग को आईबीआरडी में या वर्ल्ड बैंक क्या करता है जो अभी तक ही बताया. एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी. आप पूछ सकते हैं तुरंत ही. जल्दी से बताइए किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. पूछ लीजिए. एनीबडी हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे हम लोग आईडीए की. क्या आईडीए क्या करता है. ठीक है, तो आईडीए स्टैंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. तो एज ऑफ नाउ 173 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आईडीए. एस्टेब्लिशमेंट इज ईयर इज 1960 में इसका स्थापना हुआ था. तो इट हैज बीन एस्टेब्लिशमेंट इन 1960. देयर आर 173 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ आईडीए. फर्दर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. हमने आपको पहले बताया था ये लोएस्ट इनकम ग्रुप वालों के लिए. किसके लिए? लोएस्ट इनकम ग्रुप वालों के लिए. या अदर इन अदर लैंग्वेज वी कैन से
पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। सो ये पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या लोएस्ट इनकम ग्रुप के लिए है, ठीक है। तो इसका टू असिस्ट द पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो गरीब देश होते हैं, गरीब विकासशील देश हैं, उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। लैंड टू दोज कंट्रीज विद एनुअल का पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $800। तो जिनकी अप्रॉक्स अप्रॉक्स, कोई ये पत्थर का लकीर नहीं है, अलग अलग जगह अलग लिखा, इट्स अप्रॉक्स $800 जिनकी पर कैपिटा इनकम होती है, उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम तो अप्रॉक्स 1750 है, इवन दो आई डी इंडिया इज टेकिंग द लोन फ्रॉम द IDA। तो कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करेंगे तो IDA प्रोवाइडिंग द लोन्स टू दोज कंट्री वेयर द पर कैपिटा इनकम इज अराउंड $800। मोस्टली मनी इज यूज फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जैसे आपको पता है गरीब विकासशील देशों में अभी वहां पर रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत है, बेसिक बेसिक हाउसिंग नहीं है, बेसिक शेल्टर नहीं है, बेसिक फूड नहीं है, बेसिक क्लोथ नहीं है। तो दैट इज द ऑल रीजन की मोस्टली मनी, वट एवर द मनी हैज बीन ग्रांटेड बाय द IDA विच इज बेसिकली यूजिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जस्ट लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हो गई, बेसिक रूरल रूरल डेवलपमेंट की हो गई, बेसिक सैनिटेशन की हो गई, हमारी बेसिक लिटरेसी रेट की हो गई। तो ऐसी सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं होती हैं, तो सामाजिक योजनाएं होती हैं, उन सब चीजों के लिए हमारा IDA लोन प्रोवाइड करता है। ये आपको पता ही होगा, जो गरीब देश है या अभी कंट्रीज लाइक इंडिया, जो जिनको हम लोग डेवलपिंग बोलते हैं, इवन दो स्टिल बी हैव सर्टेन प्रॉब्लम विद द बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फूड, बेसिक शेल्टर, बेसिक क्लोथिंग्स, तो अभी भी बहुत, नॉट इवन द इंडिया, बहुत सारे और भी बहुत गरीब गरीब देश है, इंडिया तो फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो दे आर हैविंग, दे स्टिल हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द फूड, स्टिल हैव प्रॉब्लम विद द क्लोथिंग, स्टिल हैव अ प्रॉब्लम विद द शेल्टर। तो दैट इज द ओनली रीजन व्हेन एवर IDA इज ग्रांटिंग द लोन्स टू द दोज रिस्पेक्टिव कंट्री विच इज मनी इज बेसिक यूजिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। क्लियर। अगला बात करते हैं IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये हमने क्या बताया था, ये प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो पहले इसमें 184 मेंबर थे, इट यूज टू बी द 184 मेंबर, नाउ इट बिकेम द 185 मेंबर। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ IFC, ठीक है। तो 1956 में इसका स्थापना हुआ, 1956 में इट हैज बीन एस्टेब्लिश। वी एज ऑफ नाउ वी हैव 185 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो IFC इज बेसिकली फॉर टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर्स, ये प्राइवेट सेक्टर्स को या मल्टी, इसीलिए देखिए प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए हमारा IFC है, इसीलिए मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन को लोन प्रोवाइड करता है, किसको, MNCs को। IFC मेक्स लोन टू द बिजनेसेस एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट जर्नली विद द मेच्योरिटी ऑफ 7 to 12 ईयर। सो एज कम्पेयर टू द IBRD और IDA, ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बोलो वो 35 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल के लोन प्रोवाइड करते हैं, बट ये मैक्सिमम मेच्योरिटी इसकी 7 साल से 12 साल तक के लोगों को लोन, 12 से 12 साल के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। लोग मतलब बिजनेसमैन को, बड़ी बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को और प्राइवेट प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको प्रोवाइड करा, लोन प्रोवाइड करता है। फाइनेंस द प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइज कैपिटल इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट बिजनेसेस। सो सरकार को एडवाइस भी देता है, सो गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस होते हैं, जो PSU जो कहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गई सरकार की, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि किस तरीके से आपको उसको रेगुलेट करना है, किस तरीके से उसको ऑपरेट करना है, किस तरीके से उसको आपको अरेंजमेंट करना है। तो दैट इज द ओनली रीजन की IFC फाइनेंस द प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट, मोबिलाइज कैपिटल इन इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवाइस टू द गवर्नमेंट बिजनेसेस। विद द एस्टेब्लिशमेंट हियर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इंप्रूव द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड सोशली या इन्वायरमेंटली। तो कहीं ना कहीं इसका जब से ये एस्टेब्लिश हुआ है, तब से इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था लो पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी को कम करना सभी का ऑब्जेक्टिव है, और इंप्रूव द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड। आप लोगों को पता है आज हम लोग इंडिया में बैठ के वी आर यूजिंग द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ब्रांड कंपनीज प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आज हम लोग यूज कर रहे हैं, कहने के लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है, एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, सैमसंग यूज कर रहे हैं हम लोग, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड चीजें खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इट हैज बीन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर MNCs नहीं आई होती तो आज भी हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स,
लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों की मोनोपोली होती है और प्राइसेस प्राइसेस भी हाई होते हैं। आज बहुत सारी चीजों के प्राइसेस कम क्यों हो गए, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो इनकम स्टार्टिंग से ही जब से स्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका मेन उद्देश्य यही था, पॉवर्टी को रिड्यूस करना और पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड को सोशली और इन्वायरमेंटली ऊपर करना। थ्रू इट्स जीटी ऑफ फाइनेंस प्रोग्राम, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम, आईएफसी गारंटी ट्रेड पेमेंट्स ऑब्लिगेशन ऑफ मोर देन 200 अप्रूव्ड बैंक इन ओवर 80 कंट्री टू मिटिगेट रिस्क फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, आप जब भी कोई इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, आपने गुड्स यहां से एक्सपोर्ट कर दिया साउथ अफ्रीका और वहां से उसे पेमेंट देने को मना कर दिया, तो देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो कई सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो कई सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो आईएफसी उन रिस्क को भी मिटिगेट करता है, उन रिस्क को भी रिड्यूस करता है। दिस इज ऑल अबाउट द आईएफसी। अब बताइए आईएफसी और आईडीए आईबीआरडी इन तीनों में कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो आईबीआरडी आईएफसी और आईडीए तो प्लीज डू टेल मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा। मीगा क्या करता है? देयर आर 182 कंट्रीज आर मेंबर। 1988 में बना, 1988 में इट हैज बीन एस्टेब्लिश। इसका मेन काम क्या है? मीगा डज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर कंट्री। मीगा कहीं ना कहीं एफडीआई को प्रमोट करता है दुनिया के। मीगा एक जस्ट लाइक ए गारंटर, मीगा इज प्लेइंग द रोल ऑफ वॉचकीपर इन इंटरनेशनल ट्रेड। मीगा एक चौकीदार का रोल प्ले करता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। जब दुनिया में कोई भी देश आईबीआरडी आईएफसी और आईडीए से जब लोन लेता है तो मीगा उसके कंट्री के बिहाफ पर गारंटी लेता है, बिकॉज मीगा ऑलरेडी डज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर कंट्री। मीगा को सब कुछ पता होता है दुनिया के सारे देशों के बारे में, जो भी कंट्रीज मेंबर है मीगा के, मीगा उन कंट्रीज के बीच में रिसर्च करता है कि कौन सी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है, और अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देता है। सीधी सी बात, अगर आपने अपॉर्चुनिटी तो थ्रेट्स बता दी तो एफटीआई तो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बता दो कि दीस मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दीस रिस्पेक्टिव कंट्रीज और दीस मेनी थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज आर मोर देन द थ्रेट्स। अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है थ्रेट्स कम है तो ऐसे देश में लोग बिजनेस करने आएंगे। तो इसीलिए मीगा क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। मीगा को पूरी जानकारी होती है अपने सारे मेंबर कंट्रीज के बारे में। मीगा एफडीआई को प्रमोट करता है। आप समझ गए एफडीआई कैसे प्रमोट करता है? क्योंकि उसको पता है किस कंट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स हैं। प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग सर्विसेज एंड लीगल एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स मेंबर। उसके अलावा क्योंकि मीगा अंतरराष्ट्रीय बिजनेस से डील कर रहा है, मीगा एक मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, अगर आपको लीगल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैपन होती है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होता है जो ट्रेड से रिलेटेड है,
उसको मीगा रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। मीगा ऑफर द इंश्योरेंस टू कवर फाइव टाइप्स ऑफ नॉन कॉमर्शियल रिस्क, कौन कौन से, करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटीज, ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट एक्सप्रोपोर्शंस, ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन ऑनरिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो मतलब ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया यार, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आपको इतना सामान देंगे, आपने मना कर दिया लेने को, या पेमेंट टाइम से नहीं किया, कोई ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन किसी ने लगा दी, करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी है कि आप करेंसी कन्वर्ट नहीं हो पा रही किसी रिस्पेक्टिव करेंसीज पे। सो मीगा इन पांच टाइप का रिस्क को कवर करती है। तो मीगा इज जस्ट लाइक प्लेइंग द रोल ऑफ वॉच कीपर इन इंटरनेशनल ट्रेड। उसके अलावा मीगा इट टेक्स द गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर कंट्री। अगर उस कंट्री ने अगर लोन नहीं दिया, बहुत सारी कंट्री क्या करती है, लोन लिया मान लीजिए आपको बेसिक रोड्स के लिए या बेसिक रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन ले रहे हैं, लोन आपने पैसा कहाँ यूज कर लिया, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में। तो मीगा को पूरी जानकारी होती है कि किस चीज के लिए पैसा लिया, उसी चीज के लिए आप उसको यूज करिए। सपोज दैट यू आर टेकिंग द लोन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए आप लोन ले रहे हैं, बट व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, आप उस पैसे को कहां पे यूज कर रहे हैं, पैसे को यूज कर रहे हैं आप एयरपोर्ट्स बनाने में या रोड बनाने में। दैट इज द ओनली रीजन मीगा टेक्स अ गारंटी, अगर समथिंग विल बी हैपन तो मीगा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। सो मीगा एक गारंटी एजेंसी है जो पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखती है कि व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। लास्ट आया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट। मतलब अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अंतरराष्ट्रीय बाजार में उठता है रिलेटेड विद द ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, सो ICSID विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। देयर आर 155 कंट्रीज आर मेंबर, 1966 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अगर मीगा ने गारंटी ले लिया, उसके बाद भी अगर किसी ने लोन नहीं दिया, तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी डिस्प्यूट बॉडी होनी चाहिए, सेटलमेंट बॉडी होनी चाहिए जो सेटलमेंट को रिजॉल्व करेगी। सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर रिकॉन्सिलेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, उसको रिकॉन्सिलेशन करती है। अब हो गए पांचों। अब बताओ कोई डाउट हो किसी को इन पांचों में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एक या दो क्वेश्चन आपको इन पांचों से मिलेगा। Why people don't join on time? केवल 5-7 लोग 8 लोग ज्वाइन करते हैं। We have around 40-50 students. We have started the class for you people. आप अपने फ्रेंड से बोलिए क्लासेस स्टार्ट है, जो लोग पढ़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ लीजिए, रिविजन हो जाएगा। उसके अलावा अभी सब कुछ स्टार्ट किया जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस 10 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मार्केटिंग, फिर HR, फिर फाइनेंस, फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो बच्चे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर वही कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए लीगल एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, बैंकिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जुड़िए, अपने फ्रेंड से बोलिए कि प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन, ताकि हम लोग इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ एटलीस्ट बेनिफिट मिले आप लोगों को। अब मुद्दा, ठीक है, कोई डाउट तो बताइए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब आया कि अभी तक बता रहे थे कि IBRD, IDA और IFC लोन प्रोवाइड करता है। मुद्दा ये है कि इशू ये रेज होता है कि पैसा कहाँ से लेके आता है, कहीं ना कहीं से तो पैसा लेकर आ रहा होगा ना, तभी तो पैसा देता होगा। तो अगर हम लोग IBRD की बात करेंगे तो IBRD जस्ट लाइक यू फुल फ्लेज बैंक, जैसे बैंकिंग काम करती है ना उसी तरीके से पूरा काम करता है, ठीक है।
थ्रू द सेल ऑफ इट्स बॉन्ड इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर को इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में इशू करता है, उससे पैसा रेज करता है। मेंबर सब्सक्रिप्शन टू कैपिटल स्टॉक, जितने कंट्री मेंबर अदर बनेट्रियन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आईबीआरडी, उन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है आईबीआरडी के पास, जितने मेंबर्स हैं दे हैव टू बी कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी विद द आईबीआरडी, उसी के अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरीका यहाँ पर भी थोड़ा सा वोटिंग राइट्स होता है। तो जितना मेंबर सब्सक्रिप्शन होगा उसी अकॉर्डिंगली आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। तो कैपिटल स्टॉक में मेंबर सब्सक्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट क्योंकि आईबीआरडी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है और कॉलेबल कैपिटल होता है, तो एक सर्टन कॉलेबल कैपिटल होगा, सर्टन परसेंटेज होता है, दे हैव टू बी कीप देमसेल्फ, ठीक है, फॉर एज ए सेफ्टी रीजंस। तो कॉलेबल कैपिटल, इंटरेस्ट रिसीव टू द लोन्स, मेंबर सब्सक्रिप्शन टू इट्स कैपिटल स्टॉक थ्रू द सेल ऑफ इट्स बॉन्ड इन अ इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। भाई आईडीए की बात करते हैं, मोस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो जो सरकारें अपनी मर्जी से जो पैसा रखती हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या होता है, एज ए पार्ट ऑफ द सीएसआर, एज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर कीपिंग सर्टन अमाउंट ऑफ द मनी विद द आईडीए। भले बिल गेट की बात करिए आप, माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, गूगल का बात करिए, फेसबुक का बात करिए आप, लिंक्डइन का बात करिए, बहुत बड़ी बड़ी दुनिया की मर्सिडीज का बात करिए, टाटा का बात करिए, रिलायंस का बात करिए, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अपने सीएसआर में बचाने के लिए तो क्या करती है, डोनेशन करती है, ठीक है, सीएसआर में, क्योंकि कहीं ना कहीं एवरी कंट्री हैज टू बी स्पेंड सर्टन अमाउंट ऑफ द मनी एज अ पार्ट ऑफ द सीएसआर। दैट इज द ओनली रीजन की गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा जरिया है आईडीए की इनकम का। क्लियर, ये देखिए लिस्ट ऑफ द 10 लार्जेस्ट कंट्री बाय द वोटिंग पावर, यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंडिया, सऊदी अरबिया, कनाडा एंड इटली, ठीक है, तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर सबसे ज्यादा है। देखिए अगर हम लोग आईबीआरडी में करेंगे, इंडिया 7th नंबर पे है, आईएफसी में इंडिया 6th नंबर पे है, आईडीए में इंडिया 7th नंबर पे है और मीगा में इंडिया 9th नंबर पे है। एक बार देख लीजिए इसको, पीपीटी आपको भेज ही देंगे हम, आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे, पढ़ लीजिएगा आप लोग। यूएस सब में ज्यादा है, जापान भी, यूएस जापान सभी में सेकंड नंबर, यूएस फर्स्ट नंबर पे है सभी में सेकंड, और जापान सेकंड नंबर पे है। अब क्वेश्चन आया कि डिफरेंस बिटवीन आईबीआरडी और आईडीए, आईबीआरडी और आईडीए के बीच में डिफरेंस क्या है। आईबीआरडी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, आईडीए इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता, डजंट चार्ज द इंटरेस्ट रेट, ओनली चार्ज 0.75% वन टाइम सर्विस चार्ज, टोटल अमाउंट का 0.75% केवल सर्विस चार्ज चार्ज करता है। इसीलिए क्योंकि गरीब कंपनी, गरीब देश से भी अगर इंटरेस्ट लेंगे तो फायदा क्या हुआ, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर तो वो कहीं से भी लोन ले लेगा। तो आईडीए इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करता, केवल वन टाइम 0.75% सर्विस चार्ज करता है। हमने आपको बताया आईबीआरडी जस्ट लाइक ए फुल फ्लेज बैंक, एक बैंक की तरह काम करता है, इंटरेस्ट रेट ले रहा है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। लोन मस्ट बी रिपेड इन अ 15-20 ईयर विद इन द ग्रेस पीरियड ऑफ 5 ईयर, 15-20 साल के अंदर आपको ग्रेस, 15-20 साल के अंदर आपको लोन पेमेंट करना होता है, और 5 साल ग्रेस पीरियड, मतलब टोटल कुल मिलाकर मैक्सिमम 25 साल के अंदर आपको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। यहां पर लोन मस्ट बी रिपेड 35-50 ईयर विद इन द ग्रेस पीरियड ऑफ 10 ईयर, तो कुल मिलाकर समझिए 50 और 10, 60 साल के बाद आपको पैसा देना है। अगर बेसिक कॉमन सेंस लगाइए, आज आप किसी से 1 लाख रुपए ले रहे हैं, बोले हम 60 साल बाद आपको 1 लाख रुपए वापस करेंगे, उस 1 लाख रुपए की 60 साल बाद तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आज से 50 साल पहले 100 रुपए की बहुत वैल्यू थी, सैलरी 100 रुपए में हुआ करती थी, बट आज के टाइम में 100 रुपए कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही इसीलिए आईडीए से लोन लेने का मतलब बहुत बड़ा यही बेनिफिट है कि आपको पैसा पेमेंट तो करना है, बट लेकिन बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करना होगा, क्योंकि 50 साल 60 साल बाद अगर पेमेंट करेंगे तो मनी की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी उस टाइम, उस पर्टिकुलर वैल्यू का,
उस टाइम उस पर्टिकुलर वैल्यू जो आपने लोन लिया था उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट तो देना नहीं है। आपने अगर 10 लाख रुपए लिया आपको 60 साल बाद 10 लाख ही पे करना है, बट अगर आप कंपेयर करिए कि आज से 60 साल बाद 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी, आज से 50 साल पहले लोग 5 रुपए में 4 रुपए में रेस्टोरेंट में डिनर करते थे, भाई आज 2,000 रुपए में डिनर हो रहा है। तो हमें लगता है आज से 10 साल बाद 60 साल बाद 70 साल बाद तो 1 लाख रुपए का 50-60 हजार 1 लाख रुपए का लोग एक बार में लंच और डिनर कर लिया करेंगे, तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए देखिए लोग आईडीए से लोन लेते हैं, बहुत सारी कंट्री ने अपना डेवलपिंग कंट्रीज का टैग इसीलिए लगा के रखा हुआ ताकि उनको आईडीए से लोन लेना है। और आईडीए से लोन का मतलब है कि आपको समझ लीजिए नहीं पेमेंट करना है, वो आपको बहुत नॉमिनल अमाउंट पे कर रहा है उसका मतलब नहीं पेमेंट करना है। मनी यूज फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट, हमने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मनी यूज होती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक रूरल डेवलपमेंट, उन सब चीजों के लिए हम लोग आईडीए पैसा रोक देता है, लिटरेसी रेट के लिए पैसा देगा। ये पूरे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, कौन सा गरीब विकासशील देश के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द आईबीआरडी एंड आईडीए डिफरेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड बैंक। अब बताइए किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। एनी बडी सेविंग एनी डाउट प्लीज टू टेल मी, किसी को कोई कोई डाउट हो बताइए जल्दी से। आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर नोट्स, आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट तो जल्दी से बताइए। तो हमने क्या कंप्लीट किया देखिए, शुरू से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमने आपको यहां से बताया कि कैसे 1944 में पूरा दुनिया दिखता था, हिस्ट्री क्या थी वर्ल्ड बैंक की, आईबीआरडी की वो बताया हमने आपको, स्ट्रक्चर बताया कि आईबीआरडी मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, आईडी लो इनकम कंट्रीज के लिए, आईएफसी मीगा आईसीएसआईडी के बारे में हमने आपको बताया। उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि बेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में हुआ, उसकी वजह से हम लोगों ने और ग्रेट आर्थिक मंदी हुई उसी लिए बेटन वुड कॉन्फ्रेंस किया, कॉन्फ्रेंस हेम्पशायर में हुई थी, 189 कंट्री मेंबर है, मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है ये बताया था हमने, आईबीआरडी के बारे में बताया, बनेट्रियन मेंबर है 1944 में बना, आईडीए के बारे में बताया, आईएफसी के बारे में बताया, मीगा के बारे में पूरा बताया आपको, आईसीएसआईडी के बारे में बताया, आईबीआरडी आईडीए के डिफरेंस क्या होता है, पैसा कहाँ से लेके आते हैं वो बताया आपको, और डिफरेंस क्या है वो बताया। आप बताइए डाउट हो कोई तो जल्दी से बताइए। प्लीज रिप्लाई करिए आप लोग। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चा, गुड बाय, टेक केयर।